नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयराम वर्मा जी। जानेंगे कि हिलसा अंचल के अंतर्गत जो भी खेत का लेखा जोखा होता है, आए दिन लोगों की समस्या बनी रहती है कि अंचल कार्यालय में लोग चक्कर लगा रहे हैं, किसी का मोटेशन के लेकर किसी का मोटेशन नहीं हो रहा, या ऐसे खेत से संबंधित मामले को लेकर। वैसा ही मामला जयराम वर्मा जी हैं, जो कि लगातार दूसरे के लिए लड़ा करते थे, आज इनका ही समस्या है। क्या है जयराम जी, बताइए। मेरा समस्या यही है कि मेरी माँ जो है कांति देवी, उसी को टोला हिलसा वार्ड नंबर 11 के निवासी हैं हम लोग। तो कांति देवी जो हमारी माँ हुआ, इसका मानसिक संतुलन खराब रहता है। कभी भी जो कोई कह देगा तो जहाँ के तहाँ चले जाती है। ये जो है हम लोगों का आपस में जो है, दो भाई हम लोग हैं, जयराम वर्मा हम हुए और मेरा छोटा भाई जय किशन वर्मा है। और ये जो है हम लोग का अनुपस्थिति में जो है, ये हमारी माँ को जो है बहला फुसला करके दिनांक 6 तारीख को 7वां महीना में जो है 2023 में, ये रेणु कुमारी जो है पति जंग बहादुर सिंह के द्वारा जो है जलसाजी किया गया। और वहाँ जा कर के जो है प्रलोभन लालच दे करके जो है 18 कट्ठा जो ज़मीन है उसमें से मैंने आधा कट्ठा ज़मीन जो है ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा लिया है। तो इस तरह का लगातार मामला देखने को मिलता है, आप तो देखते हैं। और इतना ही नहीं, रजिस्ट्री करवा लिया गया, उसके बाद जो है मोटेशन के लिए जो है CO के यहाँ ये 14/10 को फाइल किया गया है। तो इस संबंध में जो है हम CO के सूचना दे दिए हैं। उनको भी हम बोलने गए थे कि हम दोनों भाई का बंटवारा 2020 में ही हो चुका है, और ये जो है हम लोगों के बिना पूछे सहमति के आप जो है मैंने ज़मीन खरीद रहे हैं, तो अपना पैसा वापस ले लीजिए। बोले कि हम पैसा दिए थे वापस लेने के लिए। अब मात्र 14,000 रुपया में जो है मैंने ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया है, और पासबुक भी जो है मैंने वहीं रखे हुए है, रेणु कुमारी रखे हुए है। यहाँ तक बोला गया है कर्ज का मामला तो नहीं है कि कर्ज के नाम पर इस तरह का जलसा? कर्ज नहीं, मैंने कर्ज एक तरह से मैंने मांग रही थी हमारा माँ जो है कि दीजिए कुछ पैसा जो है हम बाद में आपको दे देंगे, पर लोभन लालच दिया और इस तरह से मैंने ये काम करवा लिया है। तो इस संबंध में हम आवेदन दिए हैं 25/10 को, आवेदन CO के दिए हैं मोटेशन रद्द करने के लिए। और जो है जहाँ तक बनेगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इतना ही नहीं है, ऐसा जो है कई मामले देखने को मिलता है कि अंचल में लोग भटकते रहते हैं, काम नहीं हो पाता है। भटकते रहते हैं, काम नहीं होता है। अब देखिए CO क्या करता है। यहाँ पर हम लोग का बंटवारा हुआ है, बंटवारा कागज लगा दिए हैं। दोनों भाई बालिग हम लोग हैं, हमारा 45 वर्ष उम्र हो रहा है, भाई का छोटा भाई का 35 वर्ष हो रहा है। दोनों का आधार कार्ड लगा दिए हैं। अब देखिए CO क्या करते हैं नहीं करते हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री तक इसको लेकर जाएंगे।